अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट टू ऑफ जूलॉजिकल टर्म्स स्टार्टेड विद लेटर ए। सो द फर्स्ट वन इज एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये किस में होती है? एमनियोटिक एग्स में। एमनियोटिक एग्स किन में होते हैं? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। ये बेसिकली थ्री लेयर्स होती हैं जिसमें से एक जो है वो एलेंटॉइस है। एलेंटॉइस डिवेलप कैसे होती है? एज वेंट्रल आउटग्रोथ ऑफ गट, यानी गट की जो वेंट्रल आउटग्रोथ होती है वो क्या बना देती है? एलेंटॉइस बना देती है। अब ये जो वेंट्रल आउटग्रोथ है ये एनलार्ज होती है और फंक्शन करती है यूरिक एसिड स्टोरेज में और गैस एक्सचेंज में। सो एलेंटॉइस का बेसिक फंक्शन क्या होता है? यूरिक एसिड स्टोरेज, यानी जो वेस्ट जो भी मटीरियल होता है उसको स्टोर करना और गैस एक्सचेंज करना। सेकंड वन वर्ड है एलील्स। एलील बेसिकली क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, और ये प्रेजेंट होती है सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक जीन है, इसकी दो फॉर्म्स हैं। ये जो है इसकी दो फॉर्म्स हैं, इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? एक ये एलील है और एक ये एलील है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें आपको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा है? ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ए बी ओ इसका मतलब है तीन एलील जिसको कंट्रोल करती हैं, एलील ए, बी और स्मॉल आई, और ये प्रेजेंट होती हैं सेम लोकस पे। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है वैसे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। उसका एक मेथड है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक कब होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल दरमियान में एक पहाड़ है, ठीक है, स्पीशीज़ इस साइड पे हैं और जो स्पीशीज़ इस साइड पे हैं वो डिफरेंट होंगी, और अगर वो सेम भी हैं तो इस बैरियर की वजह से उनके डिफरेंट कैले इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाएंगी। जियोग्राफिकल बैरियर से वो सेपरेट हैं और वो रिज़ल्ट करेंगी किस में? स्पीशिएशन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में। ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ की हम बात कब करते हैं? एक्शन पोटेंशियल में। क्या होता है बेसिकली? ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वो जो है उससे क्या होता है कि मसल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कम्प्लीटली। ऑल एंड नन लॉ का मतलब ये है कि अगर जो स्टिमुलस आता है ना तो जो एक्सोन होगा, जो न्यूरॉन होगा, वो फायर करेगा फुल पावर पे, यानी वो रिस्पॉन्स देगा फुल पावर पे या बिल्कुल नहीं देगा। कोई दरमियानी रास्ता बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा रिस्पांस होगा या स्लो रिस्पांस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूरॉन जो है वो रिस्पांस देगा फुल पावर पे या बिल्कुल भी नहीं देगा। एल्ट्रिशियल। एल्ट्रिशियल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हेल्पलेस होते हैं बर्थ के टाइम पे, जैसे मैमल्स के ऑफस्प्रिंग कह लें, वो हेल्पलेस होते हैं एट द टाइम ऑफ हैचिंग और बर्थ। अल्ट्रुज़म। अल्ट्रुज़म बेसिकली कौन सा बिहेवियर होता है? किनशिप का, यानी एक के लिए अपना हिस्सा छोड़ देना। अनसेल्फिशनेस का, ठीक है, डिवोशन का, या दूसरों की भलाई का सोचना अपना आप भुला के, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रुज़म। और ये हम एनिमल बिहेवियर में स्टडी करते हैं। अलूला। अलूला बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ फीदर्स होता है विंग ऑफ बर्ड्स पे। ये देखें, ग्रुप ऑफ फीदर्स है और इसको सपोर्ट करती है मीडियल डिजिट की बोन्स। एलोला का काम क्या होता है? टर्बुलेंसी कम करता है ओवर द अपर सरफेस, ठीक है। एल्वियोलस। एल्वियोलस क्या होती हैं? लंग की एयर सैक्स होती हैं, ठीक है, बेसिकली एक सैक लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। उसके बाद अम्बुलेक्रल ग्रूव। अम्बुलेक्रल ग्रूव जो है ना, ये होता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ऑरल सरफेस ऑफ सी स्टार। ये वाला देखेंगे, ये अम्बुलेक्रल ग्रूव को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें होते हैं ट्यूब फीट। ए मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस। ए का मतलब क्या होता है? विदाउट, ठीक है, और डेवलपमेंट इन विच नंबर ऑफ मोल्ड्स इज़ वेरिएबल, यानी हमें नहीं पता तीन दफ़ा मोल्टिंग होनी है, चार दफ़ा होनी है, वेरिएबल नंबर ऑफ मोल्ड्स हैं। इमेच्योर स्टेजेस जो है ना वो रिजेंबल करती हैं अडल्ट से, और मोल्टिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है अडल्टहुड में भी, यानी हमें नहीं पता कितनी मोल्टिंग होंगी
और जो ऑफस्प्रिंग होंगे इमेच्योर स्टेजेस होंगी वो भी अडल्ट की तरह ही होंगी और मोल्टिंग जो है वो अडल्टहुड तक कंटिन्यू रहती है। एमिक्टिक एग्स बेसिकली फाइलम रोटीफेरा की जो फीमेल्स होती हैं ना वो प्रोड्यूस करती हैं एमिक्टिक एग्स। ये बेसिकली डिप्लॉयड एग्स होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती बल्कि पार्थिनोजेनेटिकली ये डिवेलप हो जाते हैं किसमें, एमिक्टिक फीमेल्स में। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है यानी NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH और स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन मॉलिक्यूल का। बाकी इसमें R ग्रुप होता है जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है और वह वेरी करता रहता है और उस वेरिएशन की बेस पे अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिक वर्ड लिया गया है कहाँ से, अमोनिया से। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब हम अमोनिया के रिमूवल की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन। अमोनिया जो है चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में और ये बेसिकली फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं वो इसको एक्सक्रीट करती हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ऑलमोस्ट 500 mg वाटर रिक्वायर होता है। एमनियन, स्टार्ट में हमने बात की थी एलेंटॉइस की, एलेंटॉइस क्या थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी। अब हम बात कर रहे हैं एमनियन की, एमनियन क्या है, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। प्रेजेंट किस किस में होती है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। एमनियन बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सैक है जो कि एम्ब्रियो को इनक्लोज कर देती है। एमनियोट लिनिएज, ये बेसिकली ना एवोल्यूशनरी लिनिएज है वर्टिब्रेट्स का जो कहाँ तक जाता है, अभी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तक आ जाता है। एमनियोटिक एग, इसकी हमने पहले बात की किस किस में प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। एमनियोटिक एग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो प्रोटेक्ट करती हैं डेसिकेशन से, वेस्ट वगैरह को स्टोर करती हैं, गैस एक्सचेंज को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा ये हेल्प करती हैं एग की कि वो सर्वाइव कर सके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। रिप्टाइल बर्ड मैमल की बात हो रही है ना तो वो आपको पता है फुली टेरेस्ट्रियल हैं। अमीबाइड मूवमेंट किस में प्रेजेंट होगी, अमीबा में। ऐसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा है ना तो यहाँ पे एंडोप्लाज्म जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक्टोप्लाज्म में, जबकि एक्टोप्लाज्म बेसिकली जो है ना ये जेल लाइक है और एंडोप्लाज्म सोल लाइक है। अपोजिट इस एंड पे क्या हो रहा होगा, एक्टोप्लाज्म चेंज होगा एंडोप्लाज्म में, यानी दोनों एंड्स पे डिफरेंट टाइप्स की कन्वर्जन हो रही होगी जो हेल्प करेगी मूवमेंट में। एम्फीबिया, एम्फीबिया आपको पता है क्लास है वर्टिब्रेट्स की, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। इनकी बॉडी पे क्या होता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, सो इनकी स्किन जो है वो रिस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होती है यानी गैस एक्सचेंज में, और इनमें जो लार्वा है वो कन्वर्ट होता है एडल्ट में विद द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। बेसिकली ये किस में है, फ्रॉग्स में, टोड्स में और सेलेमेंडर्स जो हैं वो क्लास एम्फीबिया में इंक्लूडेड हैं। एम्फिड, एम्फिड बेसिकली कीमोसेंसरी ऑर्गन्स हैं यानी केमिकल्स को सेंस करते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, नीमाटोड्स में यानी कि राउंडवर्म्स में, उनके इंटीरियर एंड पे। एम्प्लेक्सिस, एम्प्लेक्सिस बेसिकली क्या होता है, ये मेटिंग पोजीशन है एम्फीबियंस की, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें क्या करता है, मेल जो है ना वो अपने फोर लिम्स जो है वो उसको कवर कर लेता है अराउंड द वेस्ट ऑफ फीमेल और स्पर्म रिलीज करता है और फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है। एम्पुलरी ऑर्गन, एम्पुलरी ऑर्गन क्या होता है, ऐसा ऑर्गन है जो कि डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट्स, और ये फिर किस में होगा, इलेक्ट्रिकल फिशेस में होगा, प्लेटिपस में और कुछ एम्फीबियंस में। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है एनाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना हमारी बॉडी में उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसमें से जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं ना
उन्हें हम कहते हैं एनाबोलिज्म, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, स्पेसिफिक बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और एनर्जी जो है ना इसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट वन है एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है? एरोबिक की हमने बात की थी कि वो लिंक था ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, और एनएरोबिक किससे लिंक है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से, यानी इनमें ऑक्सीजन नहीं होती। एनालोगस, देखें दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके सिमिलर फंक्शंस हैं लेकिन उनका इंसेस्टर सेम नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे? एनालोगस है। और बेसिकली ये अराइज कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है? कि इंसेस्टर डिफरेंट हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम दोनों में प्रेजेंट है। एनाफेज, एनाफेज बेसिकली ये होती है ना कि क्रोमेटिड्स जो हैं वो पोल्स पे चले जाते हैं, सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है कि इंश्योर करते हैं कि कम्प्लीटली जो है वो क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं और पोल्स पे चले जाएं। एनाटॉमी क्या होती है? स्ट्रक्चर की स्टडी या उसके पार्ट्स की स्टडी, ठीक है, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट, इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में लेटर ए जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा।